हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करने वाले हैं राइट्स ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन। तो जो जिसको अरेस्ट किया जा रहा है उसके ऊपर उसके पास क्या क्या राइट्स है जो वो यूज कर सकता है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो जब बना रहे थे तो उसके अंदर सबका ध्यान रखा गया कि ह्यूमन राइट्स जो है वो दिए जाए और ह्यूमन तरीके से उसे ट्रीट करें। भले ही गिल्टी हो, लेकिन उसके गिल्टी हो मतलब प्रूफ होने के बाद, जजमेंट के बाद, अगर वो गिल्टी भी होता है तो उसको राइट्स तो दिए जाएंगे ह्यूमन बींग की तरह। इनह्यूमन की तरह बिहेव नहीं कराया जाएगा उसके साथ। तो इसी के साथ साथ जो अरेस्ट हो रहा बंदा, अरेस्ट हो रहा मतलब प्रूफ नहीं हुआ, सिर्फ अरेस्ट करके जा रहे हैं, तो उसके पास क्या क्या राइट्स है, तो वो जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखे हैं, तो आज हम उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो अब हम देखने जा रहे हैं जो सारे राइट्स हैं। तो सबसे पहले हमें एक चीज पता होनी चाहिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्ट्राइन पे बेस्ड है। वो डॉक्ट्राइन का एक लीगल सिस्टम है कि इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी, मतलब जब तक आप प्रूफ नहीं होते ना कि आप गिल्टी गिल्टी हो, मतलब आपने क्राइम किया, तब तक आपको इनोसेंट की तरह प्रूफ किया जाएगा। और इनोसेंट हो तो सिंस आपको अरेस्ट करे तब तक इनोसेंट ही हो, आपको प्रूफ हुआ नहीं कोई गिल्टी, तो तब तक आपके पास राइट्स भी है। तो ये सर राइट है जो एक अरेस्टेड पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तब। तो सबसे पहला आता है हमारे सामने राइट टू नो द ग्राउंड ऑफ अ पर्सन। जिसको अरेस्ट किया जा रहा है उसके पास ये राइट है कि वो पता कर सकता है। जिस सपोज पुलिस ऑफिसर मुझे अरेस्ट करे तो मैं उनसे पूछ सकता हूँ मुझे अरेस्ट क्यों कर रहे हो। तो इसे कहते हैं ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। तो ये सारे ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, वो किस बेस पे चोरी किया, मर्डर किया, जो क्या उसके अरेस्ट का रीजन है वो पता चलता है। ये ग्राउंड ऑफ अरेस्ट पहला पॉइंट हमारे सामने आता है, राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर मैजिस्ट्रेट विदाउट अननेसेसरी डिले। तो जिसको अरेस्ट किया गया उसके सामने ये उसको पता होना चाहिए पहले तो, कि उसको 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाएगा। और जो पुलिस ऑफिसर नहीं करता तो वो उसके खिलाफ कंप्लेंट भी कर सकता है कि उसको क्यों नहीं ले जाया गया 24 घंटे के अंदर। अगर उसे लगता है उसने सही किया, उसको फालतू में अरेस्ट करके, तो वहां पे मैजिस्ट्रेट के सामने बोल सकता अपने रिपोर्ट। तो 24 घंटे के अंदर लेके जाना है उसे, ये अरेस्टेड पर्सन को पता होना चाहिए उसके पास राइट्स है। और पुलिस वाले की सेम टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है विद इन 24 आवर्स विदाउट एनी डिले लेके जाए। और अगर नहीं लेके जाते पुलिस ऑफिसर तो कोई इंटरिम ऑर्डर आ सकता है जिसमें उसे इन्वेस्टिगेशन हो कि ये क्यों नहीं किया, इंटेंशनली थी या किसी डिले करने का क्या रीजन है उसका। तो ये राइट है अरेस्टेड पर्सन के पास। नेक्स्ट आता है राइट टू बी रिलीज्ड ऑन अ बेल। आप सपोज करो जिसको अरेस्ट किया है उसके पास ये भी राइट है को बेल लेके जा सकता है। मतलब बेल का मतलब एक सिक्योरिटी दे रहा है कि विश्वास दे रहा है, भरोसा दे रहा है कि मैं अगर नहीं आता तो आप ये आपको मैं ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट देके जा। फिर डॉक्यूमेंट में कोई प्राइस भी हो सकता है, हो सकता है अपना पासवर्ड जब्त करवा के जा रहा हो, प्रॉमिस कर रहा हूं मैं इंडिया से बाहर नहीं जाऊंगा, इस टाइप के बेल्स होते हैं। तो ये अगर बेलेबल ऑफेंस है तभी, अगर वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है तब नहीं भाई। सिर्फ बेलेबल ऑफेंस, जिस ऑफेंस के अंदर बेल दिया जा सकता है, सिर्फ उन्हीं ऑफेंसेस में ये वैलिड है। नेक्स्ट राइट टू बी फेयर एंड जस्ट ट्रायल। आप जितने भी अरेस्टेड पर्सन है उसके साथ फेयर ट्रायल होगा। फेयर ट्रायल मतलब ईमानदारी से जो बाकियों के साथ किया जाता है उसके साथ भी किया जाएगा। ये ना समझे कि अरेस्ट हो गया तो उसके साथ बराबर चलेगा भैया, जैसे किसी नॉर्मल दूसरे आदमी के साथ चलेगा वैसे तुम्हारे साथ चलेगा। और साथ ही साथ इसके अंदर ही एक इसका सब पॉइंट है, राइट टू बी स्पीडी ट्रायल। अब ये उसके भी जैसे हमारे जो कोर्ट है उसके अंदर बहुत डिले हो जाता है प्रोसेस, तो ये उसके पास भी राइट है कि जो ट्रायल हो रहा है वो जल्दी से उसका ट्रायल, कि जल्दी केस जो है वो खत्म हो। अगर मैं प्रूफ नहीं हूं, मैं गलती नहीं हूं, तो मैं बताऊंगा मेरा प्रूफ हो जल्दी खत्म करो ताकि मैं अपने काम रख सकूं, मेंटली में डिस्टर्ब हो रहा हूं। तो ये उसका राइट है, सब सेक्शन था। अगला आता हमारे सामने राइट टू कंसल्ट अ लॉयर। अब ये उसके पास ये राइट होता है जो अरेस्टेड पर्सन है कि वो उनसे बोल सकते पुलिस वालों के कि मैं अपने लॉयर को कंसल्ट करना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ, मुझे बात करने दो। तो ये उसे मिलेगा राइट, क्योंकि उसका राइट है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बाकी किसी कॉन्स्टिट्यूशन में हो भी सकता है, बाहर देशों के नहीं भी हो सकता, पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यह है राइट टू गेट फ्री लीगल एड। इनकेस कई बार क्रिमिनल्स जो क्या होते हैं ना, जो सपोज कर अरेस्ट करके ले जा रहे हैं, एक क्रिमिनल छोड़ दो जो मैंने वर्ड बोलते क्योंकि प्रूफ हुई नहीं, तो उसको अरेस्ट करके जो ले जा रहे हैं, अब जो अरेस्ट करके ले जाए तो हो सकता है वो इतना पुअर हो कि वो कंसल्ट कर ही नहीं सकता डॉक्टर, तो उसको फ्री लीगल एडवाइस भी दी जा सकती है, लीगल लॉयर भी दिलवाया जा सकता है उसकी चॉइस का इफ यू वांट। बिकॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अच्छे से लिखा गया था इक्वालिटी फॉर ऑल, और सबके लिए इक्वालिटी कब होगी, इक्वालिटी बिफोर ऑल लॉ, ऑल कैसे हो गई इक्वालिटी बिफोर लॉ, कैसे हुआ सब लोग के सामने। जब आप सपोज करो मैं गरीब हूं, मैं अच्छा लॉयर अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मेरे सामने तो इक्वालिटी होगी ना भाई, क्योंकि मैं अच्छा लॉयर अफोर्ड नहीं कर सकता, जो अमीर है वो अफोर्ड कर सकता है, तो इसीलिए उसको भी अपनी मनचाहा लॉयर वो चुन सकता है। नेक्स्ट राइट टू कीप क्वाइट। इस चीज को ध्यान से पढ़ ध्यान से सुनना, क्योंकि ये मैं बता रहा हूँ बहुतों को नहीं पता होगी। राइट टू कीप क्वाइट मतलब कि आपके पास ये राइट है कि आपने पुलिस वालों के सामने बोल दिया हाँ मैंने ये किया वो किया, कोर्ट में जाके आप बिल्कुल मुंह कर सकते हो, ये आपके पास पूरा राइट है। आप बोल सकते हो कि उन्होंने मुझे जबरदस्ती मारपीट के ये जो ऑफेंस है वो मुझसे एक्सेप्ट करवाया जबकि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, तो ये आपके पास राइट है। और वहां पे हम मना करने के जगह चुप भी रह सकते, ये भी आपके पास राइट है, और आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता है पुलिस वाला ना मजिस्ट्रेट कि आप क्यों बोल रहे हो भाई, बोलो बोलो नहीं। आप क्वाइट भी रह सकते हो, जो आपको लगता है आप जो बोलने वाले वो आपके खिलाफ में जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं तो मैं जानता हूं, एक्सेप्ट कर रहा हूं तो मैं जानता हूं कि मेरे खिलाफ में केस होगा, इसके सेक्शन पनिशमेंट मिलेगी, तो मैं वहां पे चुप भी रहता हूं। ये भी आपके पास राइट है अरेस्टेड पर्सन के पास।
राइट टू बी एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर। अब जो सपोज करो मैं लड़ाई करके गया हूँ किसी, अरेस्ट हो गया हूँ किसी लड़ाई की कंप्लीट, तो अब मैं भी बोलूंगा किसने भी मुझे मारा, तो मेरा पास जब अरेस्ट करके ले जा रहा है तो मैं बोलूंगा कि मेरा भी मेडिकल कराओ, मेरे में इंजरी है ताकि मैं उसके ऊपर केसेस कर सकूँ। तो ये मेरे पास राइट है कि मैं डॉक्टर से एग्जामिन करवा सकता हूँ, पुलिस वाले से बोलूंगा कि मैं चाहता हूँ मेरा एग्जामिन हो बॉडी, तो मैं ये वाला राइट अरेस्टेड पर्सन के पास होता है। नेक्स्ट जो राइट्स हम करने जा रहे हैं ये है राइट्स, सपोज कोई किसी वुमेन को अरेस्ट किया जा रहा है तो उसके पास थोड़े कुछ अलग भी किस्म, ये सारे राइट्स तो हैं, कुछ और भी किस्म के राइट्स होते हैं। जैसे पहला था अरेस्टेड, हाँ, जो वुमेन है वो सिर्फ फीमेल है, जो वो सिर्फ लेडी पुलिस ऑफिसर से ही अरेस्ट हो सकती है, पुलिस से ही अरेस्ट कर सकते, उसे मेल नहीं कर सकते। दूसरा, किसी भी फीमेल को, वुमेन हो गर्ल हो किसी को भी, हाँ, सनराइज सुबह सूरज उगने से पहले और सूरज के ढलने के बाद अरेस्ट नहीं किया जा सकता। तीसरा पॉइंट, पहला तो लेडी ऑफिसर, दूसरा सूरज वाला कि सूरज से पहले सूरज के बाद वाला। नेक्स्ट एक मेडिकल एग्जाम, हाँ, मेडिकल एग्जाम जो होगा जैसे इंजरी का है, कोई चीज का है, रेप थ्रेट किसी भी कोई भी चीज का हो, लड़ाई का हो, किसी भी चीज का, तो उसका जो मेडिकल एग्जाम होगा वो लेडी ही करेगी। ये था, तो उम्मीद करता हूँ ये छोटे से अरेस्ट है, ये छोटे से क्या थे, राइट्स थे, राइट्स थे अरेस्टेड पर्सन के, वो आपको जाने में मदद मिलेगी। अगर और भी और कोई चाहते हो लॉ के अंदर कोई भी सिलेबस लिख देना, हम लेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे रिसर्च करेंगे और फिर लेंगे उस अच्छे से, और हमारे आप आंसर्स को आप यूनिवर्सिटी के किसी भी एग्जाम में लिख सकते, चाहे वो NSUI हो, NLU हो, IP हो, DU हो, क्योंकि हमें अपने आंसर पर पूरा कॉन्फिडेंस है। पॉइंट्स देख लिए, पॉइंट्स को समझा दिया मैंने, आप एग्जाम में लिख सकते हो जैसे जैसे समझाए, और पूरे गारंटेड भैया नंबर पूरे आएंगे, इतना अपना गारंटेड है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद जय भारत, दिस इज विशाल सिंह साइनिंग ऑफ।